नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मिस्टर सत्यनारायण वर्मा जी आज फिर हमारे साथ है। हेलो सर, कैसे हो? हेलो जी, हेलो। यूथ टेस्ट मैनेजर है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने आपको इनोवा क्रिस्टा गाड़ी जो दिखाई थी, आज उसी के साथ आपको हम आज दिखाएंगे टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर हाइब्रिड के अंदर, जो कि बिल्कुल गाड़ी नई है। और जो ये गाड़ी है दोस्तों, ये ओनली डेमो पीस रहने वाली है, गाड़ी चली तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वर्मा जी, आज आप इस गाड़ी के बारे में क्या क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गाड़ी का स्पेशल क्या है इस गाड़ी में? देखिए सर, ये जो गाड़ी है 2022 मॉडल है, 2022 मॉडल, सिर्फ गाड़ी को जो है 2 साल भी अभी नहीं हुए हैं, और ये चली सिर्फ 12,500 किलोमीटर है, चली भी 12,500 हुए। पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, कंपनी की डेमो कार है, बिल्कुल ओरिजिनल गाड़ी और बिल्कुल नई जैसी कार है, शोरूम जैसी। ठीक है, तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर वी ऑटोमेटिक, जो कि हाइब्रिड वर्जन है, वो यहाँ पे आपको सीवीटी ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक के साथ ही देखने को मिलता है। तो उसका टॉप वेरिएंट आज हमारे साथ है, और रेड कलर जैसे कि आप देख सकते हैं, काफी अच्छा लुक है टोयोटा हाइराइडर का रेड कलर के अंदर। तो उसी गाड़ी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वर्मा जी, आपने बताया जैसे 2022 मॉडल है गाड़ी, और गाड़ी की रनिंग जो है वो मात्र 12,500 है, यानी कि 12,500 किलोमीटर में टोयोटा की गाड़ी बिल्कुल नई जैसी रहती है। इस गाड़ी में कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो वर्मा जी, और आपने बताया जैसे कि 2022 गाड़ी है, कोई एक्सीडेंटल या फिर कोई और? नहीं, एक्सीडेंटल गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल न्यू मान के चलो, बिल्कुल शोरूम जैसी गाड़ी है बिल्कुल। ठीक है, तो वर्मा जी आपसे एक मैं चीज बताना चाहूंगा, जो 2022 मॉडल है और जो आज हाइब्रिड जो 2024 के अंदर जो है, अप्रोक्सीमेट 24 लाख के अराउंड यहाँ पे आपको नया वेरिएंट यहाँ पे पड़ने वाला है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइब्रिड का, ड्यूल टोन वेरिएंट जो है, ब्लैक और रेड कलर के साथ आपको देखने को मिलता है, जो कि नया प्राइस है वो लगभग 24 लाख के आसपास आपको रहने वाला है। तो वर्मा जी, 2021 मॉडल 22 मॉडल आपने जो बताया, इस गाड़ी का क्या प्राइस आप यहां पे देने वाले हैं दर्शकों को? सर, आस्किंग जो है जो 21 लाख रुपए है, बाकी ऑन स्पॉट जो भी रहेगा मान सम्मान वो आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपने वर्मा जी ने बताया कि 2022 मॉडल आपको ओनली 21 लाख रुपए में मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं नई गाड़ी जो है यहाँ पे 24 लाख में रहने वाली है। तो इस गाड़ी के अंदर काफी अच्छे अच्छे फीचर है, जो कि आपको वीडियो में दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको DRL जो है वो ड्यूल फंक्शन के साथ DRL मिलेगा, जिसमें आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है वो आप देख सकते हैं, एक यूनिक स्टाइल के अंदर यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। फोग लैम्प इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हेडलैम्प की जो पोजीशनिंग है वो कुछ इस टाइप से की हुई है कि यहाँ पे आपको फोग लैम्प की जरूरत ही नहीं है। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, फ्रंट पार्किंग कैमरा है वो भी हाइब्रिड टॉप मॉडल में आपको मिलने वाला है। तो फ्रंट से देख सकते हैं आप, हाइड्रोग्राफी पैटर्नर भी आपको यहाँ पे टोयोटा हाइराइडर के अंदर मिलने वाला है। और गाड़ी के अंदर की अगर बात करते हैं, तो अंदर भी आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे फीचर हैं जो कि टोयोटा की किसी भी गाड़ी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 17 इंच का आपको डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। ORVM जो है वो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का ORVM रहने वाला है। इंडिकेटर है वो भी इसके ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। हाइब्रिड की बैजिंग है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिलेगी। रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आप देख सकते हैं, टॉप मॉडल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और गाड़ी के अंदर से अगर बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो गाड़ी का इंटीरियर है वो यहाँ पे आपको लेदर स्टिचिंग के साथ काफी अच्छा इंटीरियर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो विंडो है, यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो रहने वाली है। ORVM ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल रहेगा, गाड़ी पुश बटन स्टार्ट रहने वाली है, और साथ ही आप देखेंगे हेड अप डिस्प्ले का भी इसके अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग पे कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, और म्यूजिक सिस्टम जो है 10.1 इंच का आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और लेदर स्टिचिंग के साथ आप देख सकते हैं सीट कवर जो है काफी प्रीमियम सीट कवर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन टोयोटा हाइराइडर वी ऑटो के अंदर देखने को मिल जाता है। और गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो गियर नॉब है वो भी आपको क्रोम सराउंड के साथ आपको गियर नॉब देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी के अंदर देख सकते हैं ईवी मोड और ड्राइविंग मोड का भी ऑप्शन टोयोटा हाइराइडर के अंदर मिलने वाला है। एसी जो है वो आप देख सकते हैं, ऑटो एसी आपको देखने को मिलेगी। एसी जो पैनल है, एसी का जो वेंट है वो भी आप देखेंगे पैनो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे एसी वेंट देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात इस गाड़ी की आप देख सकते हैं दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है पैरानोमिक सनरूफ, जो कि पूरा 1000 mm आपको यहाँ पे ओपन करके देगा टोयोटा हाइराइडर का। अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पे, तो रियर सीट पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा कंफर्टेबल सीट आपको देखने को मिलेगी, काफी अच्छा स्पेस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। और जो एसी वेंट है वो भी आप देखेंगे
एसी वेंट का भी उपयोग यहाँ पे टोयोटा हाइराइडर की रियर सीट पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी के अंदर रियर एसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्पॉइलर है, स्पॉइलर भी आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर आपको इनबिल्ट स्पॉइलर शार्क फिन एंटीना ब्लैक रूफ के साथ आप देख सकते हैं। रूफ रेल जो है सिल्वर कलर की, काफी यूनिक स्टाइल के अंदर टोयोटा हाइराइडर की रियर लुक आप देख सकते हैं। आप एलईडी टेलेट के साथ रिफ्लेक्टर जो है वो अभी आप देख सकते हैं, एक रेड कलर की क्रोम के साथ आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा। रियर अंडररन जो है वो भी गाड़ी के अंदर आपको इनबिल्ड मिलने वाला है, और रियर पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर, क्रोम सराउंड, तो ये सारी चीजें टोयोटा हाइराइडर के वी ऑटो के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आपने देखा टोयोटा हाइराइडर वी ऑटोमेटिक के सारे फीचर हमने आपको एक्सप्लेन किए। और वर्मा जी, आपने 2022 मॉडल की जो आस्किंग रखी है यहाँ पे 21 लाख रुपए मात्र, जो कि गाड़ी की रनिंग बिल्कुल कम है क्योंकि 12,500 गाड़ी चली हुई है और गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है। और गाड़ी का वर्मा जी एनओसी का कोई फंडा, एनओसी का कोई झंझट यहाँ पे? एनओसी आपको प्रोवाइड करवा के देंगे, इवन अगर आप हरियाणा से हो तो आपकी कोशिश करेंगे हम लोग नामी करवा ट्रांसफर करवा के देंगे। ठीक है, तो वर्मा जी इस कलर की इस मॉडल में आपको कितनी गाड़ियां अवेलेबल है आपके पास? हमारे पास इस सेम कलर में 3 गाड़ियां अवेलेबल है। ठीक है, रेड कलर में 3 गाड़ियां अवेलेबल है जो कि डेमो पीस है सारी। हाँ जी, और एक ब्लू कलर में अवेलेबल है। एक ब्लू कलर में भी अवेलेबल है। और डेमो पीस में वर्मा जी और कौन सी गाड़ी आपके पास अवेलेबल है? और हमारे पास 2 ग्लेंजा है जो कि दोनों ही रेड कलर है, टॉप एंड मॉडल है और मैनुअल में ट्रांसमिशन। ठीक है, रेड कलर को मतलब काफी अच्छा प्यार देखने को मिलता है क्योंकि वर्मा जी के पास सारी गाड़ियां रेड कलर है जो कि डेमो पीस रहने वाली है। और वर्मा जी आप अपना एक बार कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज यहाँ पे शो कर दीजिए। मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा 9967888826, लोकेशन रहेगी मलिक टोयोटा शोरूम हिसार। तो ठीक है वर्मा जी, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। जो भी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके वर्मा जी को स्क्रीनशॉट दिखाएगा, वर्मा जी उसके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ गिफ्ट या फिर कुछ ना कुछ मान सम्मान जरूर करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।